इस बार जैसा कि देखा जा रहा है बारिशें काफी ज्यादा हुई है, तो जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां जिसमें डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, उनके बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे हर बार हम देखते हैं कि जब बारिशें बंद हो जाती है उसके बाद जब पानी कलेक्ट होता है तो वहां पर मच्छर पनपना शुरू कर देते हैं। डेंगू की जैसा बात करें वो ज्यादातर साफ पानी के अंदर पनपता है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके हम अपना प्रोटेक्शन करके रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि फुल बाजू के आप कपड़े पहन के रखें, और इसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जो मच्छरों से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ हर्बल ऑयल होते हैं वो आप लगा के रखें ताकि मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से अपने आप को बचा सकें। इसके अलावा अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तेज बुखार के साथ सर में दर्द और आँख के पिछले हिस्से के अंदर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, तो आपको जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि पहले दिन के टेस्ट से ही पता लग सकता है कि आपको डेंगू है या नहीं। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, किसी तरह के पेन किलर का आपको इस्तेमाल डॉक्टर से बिना बात करे हुए नहीं करना, हाइड्रेशन का ठीक से ध्यान रखना है, आपको रेस्ट ठीक से करना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक डेंगू की जो समस्या है उससे अपने आप को बचा सकते हैं।